आज का ये विशिष्ट अवसर जब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का उद्घाटन एवं गायत्री तीर्थ शांति कुंज की स्वर्ण जयंती वर्ष व्याख्यान माला के अवसर पर हम सभी माननीय राज्यपाल उत्तराखंड महोदय की उपस्थिति में यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इस क्रम में कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, इससे हम सभी को अवगत कराने के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने राष्ट्र का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाया है, चाहे योग को यूनेस्को में इंटेंजिबल हेरिटेज घोषित कराने में अपनी प्रस्तुतिकरण से भूमिका निभाई हो, चाहे सेंटर फॉर बाल्टिक कल्चर एंड स्टडीज़ परम पुरुष गुरुदेव परम वंदनीय माता के आशीर्वाद से परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी के मार्गदर्शन में स्थापित किया हो, या WHO UNO में अपनी भूमिकाएं वैश्विक तौर पर अदा कर रहे हैं। प्रतिकुलपति देव संस्कृत विश्वविद्यालय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी से निवेदन कि वे कृपया की कार्यक्रम की रूपरेखा से हम सभी को अवगत कराएं। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ में अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का महामंत्र हम लोग परिचित हैं कि त्रिपदा गायत्री का मंत्र है, उस शक्ति को समर्पित है जो हमें जीवन में आगे बढ़ना, ऊपर उठना और अच्छा करना सिखाती है। इसलिए सिखाती है क्योंकि जीवन में गिरना तो सरल है, पतन स्वाभाविक है, पर उत्थान कष्टसाध्य है। व्यक्ति यदि जीवन में नीचे गिरना चाहे तो गिरने के लिए न उसे किसी प्रयत्न की आवश्यकता है, न परिश्रम की आवश्यकता है, न पुरुषार्थ की आवश्यकता है, पर जीवन में उत्थान के लिए, उन्नति के लिए, उत्कर्ष के लिए, अभ्युदय के लिए, व्यक्ति को ऊपर उठने के लिए सार्थकता, सकारात्मकता, संकल्प, इन सब की आवश्यकता होती है। और उसको प्राप्त करने के लिए जो शक्ति हमारा सहारा बनती है उनका नाम है माँ गायत्री। उपनिषद कहते हैं अष्ट चक्रा नव द्वारा देवानाम पूरा योद्धा तस्याम हिरण्यमयः कोशः स्वर्गो लोके ज्योतिषावृतः, कि उस परमात्मा के तेज को जो धारण करती हैं, जिसकी ज्योति को उन्हें आवृत कर रखा है, वो शक्ति माँ गायत्री है। और जिस शक्ति के पास इतनी संभावना है, इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है कि वो परमात्मा के भर्ग को धारण करती हैं, उनके अंदर इतनी भी संभावना है कि वो हमारे कुछ संस्कारों का शमन कर सकती हैं। तो इस भाव के साथ, प्रार्थना के साथ, अभ्यर्थना के साथ कि हमारे जीवन में शुभ मंगल और कल्याण का उदय हो, सुख सौभाग्य की राहें खुलें, एक बार माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज के इस पवित्रतम अवसर पर देव संस्कृत विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागृह में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के मध्य उपस्थित इस प्रदेश के अत्यंत ही यशस्वी, लोकप्रिय, ज्ञान और पराक्रम दोनों के एक साथ धनी आदरणीय श्री गुरमीत सिंह जी, राज्यपाल उत्तराखंड, यहाँ उपस्थित श्रद्धेय कुलाधिपति जी जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, साथ ही उपस्थित माननीय कुलपति जी, माननीय कुलसचिव जी, उपस्थित देव संस्कृत विश्वविद्यालय के शांति कुंज के गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, EDC राज्यपाल जुयाल जी, यहाँ उपस्थित सभी विश्वविद्यालय के विद्यार्थीगण, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे मित्रों, इस युग के महानतम ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की जिस तपोभूमि में, जिस कर्म भूमि में आज हम लोगों को उपस्थित हो पाने का सौभाग्य मिला है, ये वो भूमि है जो करोड़ों गायत्री परिजनों और सहस्रों प्रज्ञा संस्थानों की श्रद्धा का आधार, उनके समर्पण का केंद्र है। ये वो भूमि है जिसने परम पूज्य गुरुदेव की प्रखरतम साधना और उनके क्रांतिकारी चिंतन का साक्षी हो पाने का सौभाग्य वर्णन किया। और उस भूमि पर प्रतिष्ठित इस देव संस्कृत विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागृह में आज हम लोग पहली बार नहीं मिल रहे हैं। न जाने कितनी बार इसी सभागार में हम लोगों को उपस्थित होने का और अनेकों कार्यक्रमों का हिस्सा बन पाने का सौभाग्य मिला होगा, पर उस लंबी सूची में, लंबी फहरिस्त में आज के इस दिन को मैं एक अतुलनीय सौभाग्य कह करके पुकारता हूँ, क्योंकि अनेकों सौभाग्यों की श्रृंखला में आज का एक कार्यक्रम निकल करके आया है। शांति कुंज का स्वर्ण जयंती वर्ष है, नवरात्रि का पावन काल है, और उस पावन वेला में, शुभ मुहूर्त में आज जब
शांति कुंज के दिव्य परिकर में हम लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण एक ऐसे व्यक्तित्व के माध्यम से होता देखा जो भारतीय सैन्य प्रशासन के उपप्रमुख भी रहे, भारत चीन संबंधों के विषय में शायद भारत में उनसे ज़्यादा गंभीर रणनीतिकार और कोई नहीं है। तो ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा जब आज राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगे का लोकार्पण हुआ तो मुझे लगा कि एक विशेष संकल्प की पूर्णाहुति को हम लोग होता हुआ देख रहे हैं, और उस संकल्प की पूर्णाहुति को होता हुआ देख रहे हैं जो आज से लगभग 90 वर्ष पूर्व उस दिन शुरू हुई जब भारत में संपूर्ण स्वराज्य का नारा दिया गया। और उस समय में एक युवा था, किशोर था, जिनको हम परम पूज्य गुरुदेव के नाम से जानते हैं, और वो आमलखेड़ा जो उनका जन्म स्थान था वहाँ से एक झंडे को लेकर के निकले और काफ़ी सारे युवाओं को लेकर के निकले, और रास्ते में अंग्रेज़ों की टोली ने उनको रोक लिया, जरार नाम का स्थान था, और उनके ऊपर प्रहार करना शुरू करा। प्रहार पड़ते गए पर गुरुदेव के हाथ से और मुंह से वो झंडे को छुड़ा न सके। और वो दिन था कि गुरुदेव का वो जो पराक्रम था उसके कारण गुरुदेव आज़ादी के मतवाले श्रीराम मत्त के नाम से जाने गए। और आज जब उस हम 125 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को शांति कुंज के प्रांगण में उपस्थित पाते हैं तो लगता है वही छोटा सा झंडा जो कभी गुरुदेव के हाथों में था उसने वो विस्तार, उसने वो विशाल रूप ले लिया है। तो आज का दिन तो हम लोगों के लिए एक आध्यात्मिक और भावनात्मक सौभाग्य को लेकर के आया है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज की प्रतिष्ठा ही अपने आप में सौभाग्य है। उसके दर्शन मात्र से ही मन में राष्ट्रीयता की, प्रखरता की, शौर्य की, पराक्रम की धाराएं बहने लगती हैं। उन भारत माता के अमर सपूतों के प्रति मन श्रद्धा से, आदर से, सम्मान से भर उठता है जिनके त्याग, कुर्बानी, बलिदान के कारण ही इस शान और स्वाभिमान के साथ हम लोग आज़ाद भूमि में आज इसको लहरा पाते हैं। और जो भारत का तिरंगा है वो मात्र झंडा थोड़ी, एक संदेश है। उसके तीन रंग साहस, सत्य और समृद्धि के प्रतीक हैं, वीरता, वेदना और व्यवहारिकता के प्रतीक हैं, और उनके मध्य में धर्म का चक्र प्रतिष्ठित है। वो धर्म का चक्र प्रतिष्ठित है जिसने सप्तऋषियों को, सिखों के गुरुओं को, जैनों के तीर्थंकरों को, महापुरुषों को, महामानवों को और उनकी एक के बाद एक अनेकों श्रृंखलाओं को जन्म दिया। उसी धर्म के चक्र को प्रतिष्ठित करने के लिए कभी परम पूज्य गुरुदेव आए, कभी महर्षि अरविंद आए, कभी रमण महर्षि आए, कभी एक से एक बढ़कर के महापुरुष आए, और इस भाव के साथ आए कि इस भारत भूमि की जो आत्मा है जिसको हम धर्म और अध्यात्म कहकर के पुकारते हैं वो कभी चुकने न पाए। तो आज जब उस राष्ट्रीय ध्वज को हम लोग लोकार्पित होता हुआ देखते हैं, उसको अनावृत होता हुआ देखते हैं तो मन गर्व, गौरव, सम्मान, श्रद्धा, आदर इन भावों से भर उठता है। तो एक और तो अवसर सौभाग्य का है तो दूसरी ओर उन वीरों की शहादत को सलाम करने का भी है, उन अमर सपूतों के बलिदान को नमन करने का भी है जिनके बलिदान के कारण ही, जिनकी शहादत के कारण ही, जिनके खून का एक एक कतरा बह जाने के कारण ही हम लोगों को वो अवसर मिल पाया जिसको आज हम लोग सम्मानित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। सोच करके देखें कि वीर भगत सिंह से लेकर राजगुरु रामप्रसाद बिस्मिल से लेकर अशफाक उल्ला खां, गोपाल कृष्ण गोखले से लेकर महात्मा गांधी, वीर सावरकर से लेकर के न जाने कितने महान, दिव्य और पवित्र आत्माओं की शहादत इस देश को झेलनी पड़ी होगी और तब जाकर हम लोगों को आज का ये दिन नसीब हो पाया है। तो जब मन में सौभाग्य की धारा बहती है तो एक प्रश्न भी निकलता है। प्रश्न ये निकलता है कि वो जो शहीद हुए, यदि उनमें से कोई एक आज के दिन लौटे यहीं मृत्युंजय सभागार के द्वार में से प्रवेश करे, ऊपर आए और हमसे पूछे कि क्या हम उनके बलिदान के साथ न्याय कर पा रहे हैं, तो उस प्रश्न का उत्तर देते समय में चेहरा शर्म से झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो वीर थे वो अकेले कब शहीद हुए, उनके परिवार भी तो शहीद हुए। भगत सिंह 24 वर्ष के थे, जतिन बाघा 24 के थे, राजगुरु 24 के थे, चंद्रशेखर आज़ाद 24 के थे। आप कल्पना करके देखें हमारे यहाँ जो मास्टर्स में पढ़ रहे विद्यार्थी हैं वो लगभग इसी उम्र के हैं, और यदि उस उम्र का कोई विद्यार्थी, उस उम्र का कोई नौजवान शहीद हुआ होगा तो उनकी माँ को कैसा लगा होगा, उनके गले से रोटियाँ उतरी होंगी क्या, क्या उनके मन में सुख शांति आई होगी, उस दिन आई होगी जिस दिन भारत में आज़ादी की लहर आई होगी। और आज उनमें से कोई लौटे और हमसे पूछे कि हम राष्ट्र धर्म का निर्वहन कर पा रहे हैं तो क्या ये दुखद नहीं है कि करोड़ों के देश में बहुतों के लिए आज राष्ट्रीयता बस फैशन सिंबल बन करके रह गई। क्रिकेट का मैच होता है लोग तिरंगा पोत लेते हैं, 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आती है, लोग नारे लगा देते हैं, पर क्या हम वो करने मात्र से उन शहीदों के समकक्ष हो पाते हैं जिनके बलिदान की सुगंध से इस धरती की मिट्टी मिट्टी आज मंदिर की तरह से पूजी जाती है।
कल्पना करके देखें कि जब अंतिम दिन था, जिस दिन राम प्रसाद बिस्मिल को ले जाया जा रहा था, उस समय में भी वो कविता लिख रहे थे। कविता क्या लिख रहे थे? वो लिख रहे थे, जगदीश यह विनय है यह प्राण तन से निकले। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जगदीश यह विनय है यह प्राण तन से निकले, जय जय स्वदेश रटते यह प्राण तन से निकले। आगे लिखते हैं, भारत वसुंधरा पर शुचिशस्य श्यामला पर सुख शांति संयुता पर यह प्राण तन से निकले। भारत का चित्रपट हो, युग नेत्र के निकट हो, माँ जाह्नवी का तट हो, तब प्राण तन से निकले। बोलते हैं, देशोपकार करते मन मातृभक्ति बढ़ते, कि देश के लिए जाएं, मातृभक्ति करते हुए जाएं, देशोपकार करते मन मातृभक्ति बढ़ते, जय जय स्वदेश रटते यह प्राण तन से निकले। 24 साल के थे बिस्मिल जब उनने कविता लिखी और उनको फांसी के लिए ले जाया जा रहा था। क्या हम उनके बराबर हो पाते हैं? तो आज के दिन मैं बस यही प्रार्थना करूंगा कि हम झंडे का सम्मान करें। हम लोग भारत के उन चुनिंदा विश्वविद्यालयों में से एक हैं जहां पर राष्ट्रीय ध्वज भी है, शौर्य की दीवार भी है, और बहुत ही शीघ्र भारत माता का मंदिर भी इसी प्रांगण के अंदर प्रतिष्ठित होने जा रहा है। तो हम उन अकेले विश्वविद्यालयों में से एक हैं जहां पर आप तीनों धाराओं को एक ही स्थान पर पा सकते हैं। तो ये अवसर गर्व का, गौरव का, सम्मान का है, पर साथ ही साथ इस प्रश्न का भी है कि क्या हम राष्ट्र धर्म का निर्वहन कर पा रहे हैं, उसको हम लोग स्मरण करें। और यहाँ से इस भाव के साथ विदा हों कि जिनकी शहादत के कारण, जिनके बलिदान के कारण आज की ये सौभाग्य की राहें हमारे लिए खुल पाएँ, उनके साथ, उनके बलिदान के साथ हम लोग न्याय कर सकें, उनके जीवन के साथ न्याय कर सकें, तो आज का ये अवसर किसी सौभाग्य को हमारे लिए भी खोल करके जाएगा। आप सबको इतनी देर तक इन बातों को ध्यान से सुनने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।